हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते। अंकिता लोखंडे को कौन नहीं जानता, चाहे वो बहुत साल पहले आए उनका सीरियल पवित्र रिश्ता से जानते हो या लेट सुशांत सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड की वजह से जानते हो, लेकिन अभी भी कोई उन्हें नहीं जानता है तो अंकिता लोखंडे अब सबसे बड़े टीवी शो बिग बॉस में आई हैं, दैट टू अपने नए नवेले पति विक्की जैन के साथ। बिग बॉस प्रीमियर वाले दिन स्टेज पे सलमान भाई ने बोला था कि बीबी क्रिएटिव टीम अंकिता को काफी टाइम से अप्रोच कर रही थी लेकिन उन्होंने हमेशा मना कर दिया, लेकिन इस बार आ गई। लेकिन क्यों? विक्की ने बेच दिया मुझे। बिक गई मैं। जब विक्की को खुद आना था। Women. अंकिता और विक्की की शादी 24 दिसंबर 2021 में हुई थी। वो सोशल मीडिया में काफी देखे जाते थे लेकिन एज अ पर्सन ऑडियंस को विक्की जैन के बारे में कोई अंदाजा नहीं था और लोग अंकिता को इंडिविजुअल और उन दोनों को एज अ कपल देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे। जो लोग अंकिता को पहले से जानते थे वो उन्हें शो में देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे, लेकिन पहले हफ्ते अंकिता किसी को शो में दिखी ही नहीं। ऑन दी अदर हैंड उनके पति विक्की जैन ने आते ही शो का सेंटर ऑफ अटेंशन बनना स्टार्ट कर दिया। दो हफ्ते निकलने के बाद अंकिता और विक्की का जो अवतार लोगों ने देखा वो शायद किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। शर्म आती है मेरे को। मोस्टली दोनों ज्यादातर टाइम लड़ते रहते हैं और लड़ाई के बाद विक्की बैठ के अपना पॉइंट ऑफ व्यू अंकिता पे थोपते हुए दिखाई देते हैं। बस विक्की ने अंकिता पे पर्सनल कमेंट्स किए, बदतमीज से बात की, टॉन्ट्स मारे, घर की बातें कैमरा पे करने की बात कही, इवन उनकी पर्सनालिटी और अपनी शादी पे भी दूसरे लोगों के सामने सवाल उठाए। अरे यार, मैं नहीं कर सकता सच में। बहुत ज्यादा देर से सब डिटेल में बात, मेरे को नहीं समझता जो क्या बोलूं क्या नहीं। जिससे दीपिका के बाद टॉक्सिसिटी का टैग विक्की जैन को दिया गया। विक्की अंकिता के अलावा शो में सबसे काफी अच्छे से बात करते हैं, मजाक मस्ती करते हैं, गेम की प्लानिंग भी करते हैं और अगर किसी से अंकिता की लड़ाई हो जाती है तो वो अंकिता के पास जाने के बजाय सामने वाले को जाके कंसोल भी करते हैं। वो काटेगा बट तू इसीलिए चीखते हैं लोग, इसीलिए तरफ चढ़ते हैं लोग। There was even an incident जहां अंकिता से लड़ने के बाद विक्की एक फीमेल कंटेस्टेंट को अपने हाथ से फ्रूट्स खिला रहे थे। ये सब बातें जब अंकिता ने उनसे बोली तो उन्होंने कहा कि यहाँ हम इंडिविजुअल खेलने आए हैं, कहीं भी घूमते फिरते। बिग बॉस में पहले भी मैरिड कपल्स आए हैं लेकिन अनलाइक विक्की शो में एंटर करते ही किसी ने अपनी वाइफ या हस्बैंड को जस्ट लाइक एनी अदर कंटेस्टेंट ट्रीट नहीं किया है। तेरे को जो चीज अच्छी लगती है ना वो उस सिचुएशन पे सही नहीं होती। अंकिता को जब बहुत ज्यादा लोनली फील होने लगा तो उस पे विक्की ने बोला कि साथ ही रहना था तो घर पे रहते, बिग बॉस में क्यों आए। तो सबके साथ ना रहूं मैं, तेरे पास रहूं। घर में रहते ना, फिर हम यहां क्यों आए, घर पे रहते हम दोनों क्यों आए फिर हम। इसमें कोई डाउट नहीं है कि गेम पॉइंट ऑफ व्यू से शायद शो में वो अच्छा कर रहे हो लेकिन एट व्हाट कॉस्ट ब्रो, वापस घर तो अंकिता के साथ ही आना है। एज अ कपल अंकिता और विक्की को कभी प्यार से साथ में बैठे बात करते हुए किसी ने नहीं देखा है क्योंकि वो साथ बैठते ही सिर्फ लड़ने के लिए। इट्स सो ऑब्वियस दैट विक्की थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ एज द स्मार्टेस्ट गाय इन द रूम और इसलिए जब अंकिता उन्हें कुछ समझाती है तो वो उन्हें रूडली चुप करवा देते हैं। तुमको जो बात रखनी थोड़ा एक पीस कम करके टोन में बात करो। इस शो से बाहर उनका रिश्ता मे बी बेटर हो और जस्ट फॉर सेक ऑफ द गेम विक्की टॉक्सिक हो गए हो, लेकिन अंकिता की सेल्फ रिस्पेक्ट कब से खत्म हो गई ये नहीं पता चला। शी जस्ट लेट हिम वॉक ऑल ओवर हर। अंकिता प्लेयर तो वीक है ही लेकिन एज वुमेन और वाइफ अपने लिए स्टैंड लेने में अंकिता और ज्यादा वीक दिख रही है। वीक से याद है, अंकिता रिसेंटली डिस्कस्ड अबाउट हर वीकेस्ट मोमेंट दैट इज अबाउट हर ब्रेकअप विद सुशांत। अंकिता ने मुनावर से बात करते हुए बताया कि आफ्टर 6 years ऑफ बीइंग इन लव वन डे सुशांत जस्ट लेफ्ट। ब्रेकअप की कोई वजह नहीं थी और सुशांत ने अपनी प्रायोरिटीज काफी क्लियर कर दी थी। इन लास्ट फ्यू डेज ऑफ देयर रिलेशनशिप जब उनकी कोई बात होती थी तो अंकिता को सुशांत के आंखों में प्यार दिखना ही बंद हो गया था एंड दैट्स व्हेन शी न्यू शी हैज लॉस्ट हिम। One person move on and then another person is stuck. It happens. वो एक दिन बस घर छोड़ के चले गए and Ankita was left heartbroken, जिस वजह से वो काफी टाइम तक काम पे भी ध्यान नहीं दे पाई, कोई काम नहीं कर पाई। It's a long relationship, but I broke up. And I took my time. I couldn't get over that. अंकिता ने सुशांत की डेथ के बाद जो इंटरव्यूज दिए उन पे जो उनको ट्रोलिंग मिली थी या लोगों ने जो ये बोला था कि अंकिता सुशांत के साथ होती तो सुशांत के साथ ऐसा नहीं होता, उस पे भी अंकिता ने बोला कि ये सब लोग तब कहाँ थे जब मेरा ब्रेकअप हो रहा था। अंकिता और विक्की को बिग बॉस में देख के बस इतना कंफ्यूजन आ रहा है कि क्या विक्की ऐसा ही अंकिता को पसंद आया था। मैंने अच्छे से ही बोला वो तुम डिसाइड नहीं करूंगी क्योंकि मैंने तो करो और ऐसे ही करो। हां तो करूंगी, तो मेरे से ऐसी बात मत करना। ठीक, शादी के बाद विक्की अंकिता की लव एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पा रहे। मैं क्या दिन भर तुम्हें पीछे घूमता रहूं, मैं नहीं कर सकता।
जो भी हो, लेकिन विक्की को थोड़ा सा बिहेवियर बदलने की जरूरत तो डेफिनेटली है, बिकॉज नेशनल टीवी पे हमेशा वाइफ से परेशान दिखने वाला आदमी, परेशान रहने वाले आदमी पे बाहर आने के बाद बहुत सवाल उठेंगे। बहुत लंबा बिग बॉस है, अभी बहुत टाइम है, आई थिंक ही शुड स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए मैन। एंड प्लीज अंकिता, प्लीज हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट, बिकॉज यू हैव बीन वर्किंग इन द इंडस्ट्री सिंस सो लॉन्ग। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़।